ये कैसी विडंबना है? जो लोग स्वयं अपने आप को धर्म नगरी का निवासी कहते हैं, वही लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि मैं उनका अहित करता हूं तो यह भी अधर्म होगा। धर्म पूर्वक वो लोग मुझे आपसे मिलने नहीं देंगे प्रभु, क्या करूं? अब आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता प्रभु। यदि मुझे अधर्म का मार्ग चुनना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। राता ने सत्य कहा था कि द्वारकाधीश कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि ऐसी अमूल्य मणि इस स्थान पर हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से इस स्थान पर कोई आया नहीं है। मणि को सुरक्षित रखने का इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं हो सकता। स्थान तो अच्छा है पर लगता है समय बुरा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्यजीत, इस प्रकार न्याय का घंटा बजाने का क्या अर्थ है? न्याय मांगने आया हूं तुम्हारे उस द्वारकाधीश से। बुलाओ उस द्वारकाधीश को, द्वारकाधीश! किंतु बात क्या है सत्यजीत, किसने किया है अन्याय? उसी ने, जो अपने आप को धर्म का रक्षक कहता है। उसी ने जिसे प्रजा अपनी न्याय की मूर्ति मानती है, उसी द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसन्नजीत की हत्या की है। हत्यारा है तुम्हारा द्वारकाधीश। बस सत्यजीत, बस। अब इसके बाद एक शब्द और नहीं। ठहरिए अखरूर जी, यदि सत्यजीत के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे बोलने का पूर्ण अधिकार है। बोलो सत्यजीत। अपने मीठे प्रपंच से मेरे खाव पर नमक छिड़कना बंद करो। स्वीकार करो कि तुम मेरे भाई के हत्यारे हो। बताओ मुझे, क्यों मेरे भाई की हत्या की तुमने? सत्यजीत, तुम्हारे भाई के साथ जो दुर्घटना हुई, मुझे उसका दुख है। किंतु तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारे भाई की हत्या मैंने की है? क्योंकि आपको ही मेरी सम्यंतक मणि चाहिए थी। उसी मणि को लेकर मेरा भाई वन में गया था उसे छुपाने के लिए। इससे पहले कि वो उसे छुपा पाता, आपने उसकी हत्या की और उस मणि को भी चुरा लिया। द्वारकाधीश, आप केवल हत्यारे नहीं हैं, चोर भी हैं। सत्यजीत! अखरूर जी, तुम्हारे आरोप का क्या आधार है? आधार? मेरे भाई की हत्या हुई है। जिस मणि पर आपकी कुदृष्टि थी उसकी चोरी हुई है। आप अपने अपराधों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब प्रजा ही इसका न्याय करेगी। जाऊंगा मैं उस प्रजा के बीच में और सबको आपका सत्य बताऊंगा। हेरो सत्यजीत, मैं तुम्हारे आरोपों को स्वीकार करता हूं। महाराज, आपको ऐसे अपराधी का आरोप स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल आदेश करें, दंड तो मैं इसे दूंगा। नहीं अखरूर जी, न्याय मांगने वाले को न्याय मिलना चाहिए, दंड नहीं।
ऋषिदेव, यदि किसी व्यक्ति पर हत्या और चोरी का आरोप हो तो दंड विधान क्या कहता है? द्वारकाधीश, दंड दोषी को दिया जाता है, आरोपी को नहीं। विधानानुसार दोषी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और तत्पश्चात ही उसके दंड का निर्धारण किया जा सकता है। सत्यजीत, मुझे केवल एक दिन का अवसर चाहिए। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया तो तुम जो दंड दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है द्वारकाधीश, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भाई की हत्या आपने ही की है और इस सत्य को ना तो समय बदल सकता है और ना ही आप। सत्यजीत, केवल ये बताओ, तुम्हारा भाई मनी को लेके किस दिशा में गया था? पूर्व दिशा के घने वन की तरफ। ये कैसी विडंबना है प्रभु, जिनका नाम जपने मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिनके दर्शन से अपराधियों को मुक्ति मिल जाती है, आज उसी श्री कृष्ण पर इतना बड़ा आरोप। देवी, इस संसार में आने के पश्चात भगवान भी सांसारिक नियमों से बंध जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को भी सामाजिक नियमों का पालन करते हुए संसार में धर्म की स्थापना करनी होगी। सत्यजीत ने इसी स्थान के विषय में बताया था। ये कहीं प्रसन्नजीत का रक्त तो नहीं? तो किसी शेर का पदचिन्ह लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात प्रसन्नजीत की हत्या किसी शेर ने की है। इसका अर्थ यह है कि दिव्य मणि यहीं कहीं होने चाहिए। ये प्रकाश दिव्य मणि से ही आ रहा है। इस मणि को पाकर सत्यजीत को अपनी भूल का आभास हो जाएगा। कैसे पहचाने, अखियों पे है घिरे अंधियारे, कैसे प्रभु की माया जाने। युगों युगों से प्रभु को ढूंढा, एक नाम जप हरि को पूजा। कौन हो तुम? मेरे तो अनेकों नाम, जैसी भक्ति जैसा भाव वही नाम। आप बताइए, आप मुझे किस नाम से पुकारना चाहते हैं? अपनी मृत्यु के साथ खेल मत खेलो, स्पष्ट कहो कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लगता है आप मेरे विषय में जानने के लिए अधिक उत्सुक हैं। तो ठीक, इस समय लोग मुझे द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं, और आपको? मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है द्वारकाधीश। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जिस प्रकार यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस लौट जाओ। जैसी आपकी इच्छा रीचराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं तो मैं अवश्य चले जाऊंगा, बस मुझे वो मनी दे दीजिए
वो प्रकाश जहां से आ रहा है मैं वही ले जाने आया हूं। ठहरो, इस मणि से मेरा कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य जुड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ये मणि कदापि नहीं ले जाने दूंगा। आश्चर्य की बात है, मैं भी इस मणि के कारण यहाँ आया हूँ। कहीं हम दोनों का उद्देश्य एक ही तो नहीं? मुझे तुम्हारे उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ रीचराज, किंतु ये मणि लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यदि अब भी तुम अपनी हट पर अड़े रहे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। रीचराज, मैं जान गया हूं आप बल के सागर, किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी है कि किसी भी स्थिति में मुझे मणि चाहिए। बड़े दुस्साहसी लगते हो, तो ठीक है, आओ युद्ध करो मुझसे। यदि तुमने मुझे पराजित कर दिया तो तुम ये मणि ले जा सकते हो। ठीक है ऋषिराज, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार, किंतु द्वंद युद्ध तो सामान्य व्यक्तियों में होता है, आप तो कुछ अधिक असामान्य हैं। चिंता मत करो द्वारकाधीश, मैं तुमसे द्वंद करने के लिए नियम अनुसार ही युद्ध करूंगा। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? रामवंत एक युग से परम अवतार श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण भी अपने इस भक्त से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। तब भक्त और भगवान के मिलन के स्थान पर यह युद्ध, परम अवतार श्री कृष्ण अपने इस भक्त को अपना यह सत्य क्यों नहीं बता देते प्रभु? देव ऋषि, यदि युगों की चाह एक क्षण में पूर्ण हो जाए तो मन में कुछ अधूरा रह जाता है, और जीवन पूर्ण तृप्ति तभी मिलती है जब कुछ संघर्ष से प्राप्त होता है। संभालो मेरा प्रहार। संभाल के ऋषिराज, कहीं आप गिर ना जाएं। मेरी चिंता मत करो, क्योंकि आज ये भूमि ही तुम्हारी शमशान भूमि होगी। मैंने कहा था गिर जाएंगे, आप तो सच में गिर पड़े। मैं आपसे आयु में छोटा हूं ऋषिराज, बल का प्रयोग थोड़ा कम कीजिए। युद्ध करते करते कहीं जामवन जी थक तो नहीं गए? मुझे इन्हें विश्राम का अवसर देना होगा। गरुड़राज, मैं समझ तो गया था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, किंतु तुम्हें भी नहीं पता कि मैं कोई साधारण रीच नहीं, राम भक्त जामवंत हूं। अब चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किंतु आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, जामवंत का संघर्ष तो बढ़ते ही जा रहा, अब तो मुझे भय लगने लगा कि भगवान और भक्त के मिलन से पूर्व कोई अनर्थ न घट जाए। तुम्हें क्या लगता है द्वारकाधीश, यहाँ आकर तुम मुझसे बच जाओगे? मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़े बड़े मायावी देखे हैं। नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं ऋषिराज,
मैं कोई मायावी नहीं हूँ। तुम जो कोई भी हो, अब तो ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब तुम पराजित हो जाओगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप युगों से किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जो आपको पराजित कर सके। ध्यान से देखिए रीछराज, कहीं वो व्यक्ति मैं ही तो नहीं। लगता है तुम्हें अपने बल का बहुत अहंकार है। ऐसे बड़े बड़े महाबलियों का अहंकार दूर किया है मैंने, और आज तुम्हारा भी करूंगा। जाने से पूर्व प्रभु श्री राम ने पड़ाव डाला था। युग बीत गया पर ऐसा लगता है मैं अब भी अपने प्रभु के समीप हूँ। नीचराज, इसे ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। आपकी युद्ध की इच्छा पूर्ण हुई या अब भी शेष है? जब तक मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं करा देता कि मैं कौन हूँ, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं स्वयं वहां आता हूं। समुद्र देव, कृपया मुझे मार्ग दें। आप मेरे उद्देश्य में बाधा बन के खड़े हैं, कृपया इस बाधा को दूर करें। भय के बिना प्रेम नहीं होता। अब मैं आपसे विनय नहीं करूंगा। यदि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं आपका संपूर्ण जल सुखा दूंगा। हे समुद्र देवता, भय बिना प्रेम नहीं होता। मैं 3 दिन से आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया करके मुझे मार्ग दीजिए। किंतु अब विनती नहीं, विनाश होगा। यदि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं आपका संपूर्ण जल सुखा दूंगा। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्रोध त्याग दें, मैं आपको मार्ग देने को तैयार हूं। कैसे संभव हो सकता है? समुद्र तो संसार में केवल एक ही व्यक्ति को मार्ग दे सकता है, मेरे प्रभु राम को। तो इसका अर्थ है कि कौन है आप, और इस अभागे रीच के साथ ये कैसी लीला रच रहे हैं? नीचराज, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मेरा नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। क्या अब भी कोई संशय बाकी है? नहीं प्रभु, अब सारे संशय दूर हो गए। मैं आपको पहचान गया हूँ। आप कृष्ण रूप में और कोई नहीं, मेरे प्रभु राम है। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, मैं तो हूँ ही अज्ञानी रीच, आपको पहचानने में देर कर दी। किंतु मुझसे ऐसी कौन सी चूक हो गई प्रभु, जो आप अपने भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं? हे राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, अपने इस अधम भक्त को दर्शन दीजिए श्री राम। हे
उसकी भक्ति से मेरा बल है। आज उसी प्रभु पर मैंने प्रहार किया। अपने अहंकार में मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। जामवान जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपके रोम रोम में श्री राम बसे हैं, मुझे पहचान नहीं पाए। प्रभु, अपने इस भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर दीजिए। मैं आपको वो दिव्य मणि सौंपना चाहता हूँ जिसे अपनी अज्ञानता के कारण मैंने अपने अधिकार में ले लिया था। प्रभु, अपनी ये निधि वापस ले लीजिए। प्रभु, आपने ये मणि लेकर मुझे भार मुक्त कर दिया। अब शीघ्र ही मुझे अपने ऋण से भी मुक्त कर दीजिए। जामवन जी, आप किस ऋण की बात कर रहे हैं? वही ऋण प्रभु, जिसकी रक्षा का भार आपने मुझे त्रेता युग में सौंपा था।